सही में यार कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी। गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिलीगुड़ी। अभी जैसे टाइम हुआ है 10:50, हम लोग है होटल में सिलीगुड़ी में। क्या बोले, सुबह से बारिश जो स्टार्ट हुई है ना, वो रुकने का कोई नाम ही नहीं कर रहा है। थोड़ा अभी कम हुआ है, इससे पहले थोड़ा ज़्यादा ही बारिश हो रहा था और टाइम हम लोगों का बहुत चला गया है। एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में जो मेरा बेटी आया है, मेरा वाइफ आई है, इसलिए तो थोड़ा हम लोग यहाँ पे भी रुक गए। अगर नहीं होता तो हम लोग रेनकोट पहन के ऐसे ही चले जाते। फिर हम लोग को आदत है बारिश में कर बाइक चलाना, सूर भीग भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटी को बोलिए या मेरा वाइफ को बोलिए प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके लिए थोड़ा हम लोग कर रहे हैं वेट, बाकी का फीडबैक में देते हैं, कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो वीडियो पे आप बने रहिए। ये डे टू ऐसे हम लोग शुरू करेंगे, पता ही नहीं था। ठीक है, तो चलिए टाइम है 11:30, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो आप लोग इससे पहले तो जब दिन का शुरू किए आपको तो बोल ही दिया था, नसीब में सुबह से लेके चल रहे बारिश लेके चल रहे हैं। तो हम लोग का कम से कम 3-4 दिन का ऐसा ही टाइम चला गया, क्योंकि हम लोग को 9:30 से यहाँ से निकलना चाहिए था। तो अभी फिलहाल 11:30 और बाकी से हम लोग अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। और भाई का तो लूज मोशन हुआ है, तो ठीक है, देखो देखो तो बाद में बात कर लेना। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर बाकी का आपके देते हैं, क्योंकि बारिश थोड़ा बंद हुआ था। लगेज तो मैं गाड़ी में डाल दिया हूँ, लेकिन फिर से बारिश स्टार्ट हुआ है। देखते ये भाभी आलू चला में सब्जी खा रहा है अंडा के साथ, देखो ना। ठीक है, चलो हम लोग को जो रूम पड़ा है 1400 करके पार्ट नाइट, तो हम लोग एक ही दिन तो रुके हैं, हम लोग को 1400 रुपये पड़ा है। ऐसे रूम हम लोगों ने दो लिए, सेम रूम ही है, लेकिन मेरा जो बच्चा था तो उसके लिए ये लोग 500 रुपये ज़्यादा चार्ज किया है एक्स्ट्रा। तो पता नहीं क्यों, क्योंकि जब हम लोग रूम बुक करते हैं डबल बेड में शायद यहाँ पे अलाउ नहीं है बोल के, तो 500 रुपये एक्स्ट्रा लिए। ठीक है, तो जैसे भी देख पा रहे हो आप, बारिश अभी नहीं हो रहा है, बंद हुआ है बारिश, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। बहुत टाइम चला गया है, तो चलिए रास्ते पर मिलते हैं। बाइक सब यहाँ पे ही रखे थे, एकदम सेफ्टी है, सिक्योरिटी भी था, कुछ लगाना है टैंक बैग। राख उठा, तड़ा। तो ट्रिप को भी मैंने 0 कर दिया हूँ, 3 मीटर को। अभी हम लोग निकल रहे हैं होटल माउंट आरा से। प्लानिंग में थोड़ा चेंज होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को बहुत टाइम लग गया, बहुत पूरा टाइम, आज का पूरा प्लानिंग का पूरा टाइम सत्यानाश हो गया है, बहुत लेट में चल रहा है, 3-4 घंटे के ऊपर हम लोगों का लेट हो गया है, पता नहीं कैसे कवर करें। 1:45 का भी टाइम, अभी पहले तो करना है फ्यूल अप, उसके बाद उसके साथ करना है गाड़ी का हवा का भी प्रेशर चेक करना है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों का फ्यूल अप हो चुका है, हम लोग प्लानिंग में और बदली नहीं किया है, जो प्लानिंग करके आए थे वही प्लानिंग करके हम लोग जा रहे हैं। ए राइट साइड। यहाँ से जो मिरिक का जो डिस्टेंस है मिरिक लेक का 51 किलोमीटर, 1 घंटा 48 मिनट्स। अभी तो ये जैम पकड़ के चलना पड़ेगा। ओ बाप रे बाप, सामने जो दिख रहा है पूरा मैप में ना पूरा रेड होके पड़ा हुआ है, मतलब भयंकर वाला जैम, वही जैम सिलीगुड़ी का फेमस वाला, मिलेगा ही मिलेगा।
चलिए जैम को छोड़ के जब सीधा रास्ता हम लोग को मिलेगा फिर आते हैं कैमरा लेके आप लोगों के सामने। तब तक के लिए जैम को हम लोग झेल लेते हैं। सो फाइनली आज का जो सफर डे टू का स्टार्ट हो गया है। आज का जो सफर है मैं एक बार आपको शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी से लेप्चा जगत भाया मिरिक। इससे पहले मैंने आपको दो तीन बार तो मैंने बोला हूँ क्या प्रॉब्लम होता जिसके लिए हम लोगों को तीन चार घंटा के ऊपर चला गया टाइम बर्बाद। तो ठीक है, पीछे बुढ़ के तो देखने का कुछ है नहीं, जो होगा सबने देखा जाएगा। और आई होप फिलहाल तो अभी उधर सही है। आई होप आशा करते हैं सामने भी उधर अच्छा ही रहे, बारिश ना हो, भगवान बारिश ना हो तो देख लीजिएगा। तो नज़ारा तो स्टार्ट हो गया है आसपास का और दूर में तो मुझे पहाड़ दिख रहा है, यही देखने को लिए हम लोग आए बस और कुछ नहीं। पहाड़ को एंजॉय करेंगे आज, मिरिक लेक होकर लेप्चा जगह जाएंगे। कोई किसी भी जगह हम लोग ऑलरेडी प्री बुकिंग करके नहीं आए हैं क्योंकि रोड के हिसाब से, मौसम के हिसाब से देखना पड़ेगा, बाइक के भी हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम हो ही सकता है। तो प्री बुकिंग करना फालतू का जाएगा, प्री बुकिंग सब क्वार्टर है। और ये रास्ते से मैंने फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, इससे पहले कभी मैं गया नहीं हूँ पहाड़ में, लेकिन दार्जिलिंग में भी तो आया हूँ, मिरिक में भी आया हूँ, सिक्किम में भी आया हूँ, वाला सेवा होकर और कश्यांग होकर मैंने दार्जिलिंग गया था, लेकिन इस रोड मेरे लिए फास्ट है। क्या मौसम है, यहाँ पे बोर्ड में लिखा है वेलकम टू मिरिक। तो ये रास्ता है, यहां से मिरिक का जो डिस्टेंस है 29 किलोमीटर। ड्राइव स्लो, 20 किलोमीटर का स्पीड में जाना है। सीरियसली यार, दोनों साइड देखो यार, हम लोग का चढ़ाई स्टार्ट, हो गया स्टार्ट। दीपेश को दिया हूँ लीड करने के लिए क्योंकि वो लोग बहुत पीछे हो जा रहा है और मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है। ये जगह का नाम है मंजू पार्क, मंजू टी स्टेट। ओ लवली, क्या नजारा है, ये कहाँ आ गए, ये हम लोग कहाँ आ गए। रुक।
यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं और है ना वो रुक के एक बार नेचर का एंजॉय लेते हैं। और जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ मैं देखता हूँ आप लोगों को मैं दिखा पाऊँगा कि नहीं। फ्रेंड्स चलते चलते यहाँ पे रुक गए तो क्यों रुके हैं एक बार सामने तो देखिए पूरा टी गार्डन है। अभी फिलहाल तो फॉगी वेदर है बोल के आप लोगों को इतना अच्छा नहीं दिख पाया होगा। हम लोग का 3 बाइक बस मेरे बेटी को देते तो ये पहला बार मेरा एक्सपीरियंस किया हूँ ड्रोन के साथ। मुझे इतना अच्छा तो चलाना आता नहीं है फिर भी मैं जो भी कोशिश किया हूँ फ्लाई करने के लिए तो थोड़ा तो नर्वस हूँ। जब मैं ड्रोन फ्लाई कर रहा था थोड़ा नर्वस हो गया था तो पहले तो अचानक से मुझे ड्रोन ही नहीं दिख रहा क्योंकि मोबाइल के अंदर मैं झांक के देख रहा था। तो फिर है ठीक है मेरा ड्रोन मेरे पास है ठीक है। तो अगर ड्रोन फुटेज अच्छा लगे या और भी अच्छा अच्छा फुटेज मैं फ्यूचर में लूँगा ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना आपको तो पता है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिए ठीक है। और यहाँ से जो मिरिक लेक है 11 किलोमीटर का दूरी पे है 23 मिनट का टाइम दिखा रहा है जीपीएस बाबा ने तो अभी जाएंगे मिरिक लेक और लेक भी आपको दिखाते हैं ठीक है। तो बने रहो तो गाइस फॉग देखिए एक बार फॉग देखिए गाइस फॉग देखिए पूरा फॉग छाया हुआ है। यही एडवेंचर और यही एंजॉयमेंट तो चाहिए इसीलिए ही तो आए हैं बाइक लेके पहाड़ में जो कार में संभव नहीं है। कभी आपको किसी भी जगह पे मन करे फोटो उठाना है या वीडियो करना है या आपको खुले आंखों में देखना है तो भाई आप देखो इससे बेहतर नजारा हो ही नहीं सकता। ओह माय गॉड एक बार देखो यार। तो गाइस ये है मिरिक तो देख पा रहे बहुत सारा होटल है एटीएम भी है। अब रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे रुक सकते हैं। हमारा तो जो आज का जो डेस्टिनेशन है लेप्चा जगत वही हम लोग का अभी तक सही किया गया है वही जगह पे हम लोग आज रुकेंगे लेकिन देखते हैं बाकी का जो वेदर क्या बोल रहा है उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है नहीं दिख रहा है so, friends, आ गए मिरिक लेक ठीक है। लेकिन मिरिक लेक में आके जो फॉगी वेदर हम लोग को जो मिल रहा है मतलब हम लोग भी नहीं देख पा रहे सही से तो आप लोगों को क्या दिख रहा है तो फिर भी दिखाना तो फिर भी दिखाने के लिए मैं तो कोशिश तो करूंगा जाऊंगा उस तरह लेकिन समय बोल रहा है विजिबिलिटी जीरो है फिलहाल जो मेल टाइप जो है यहाँ पे देखिए सब एंजॉय करते हुए तो छोटा मोटा हॉर्स राइड भी कर रहे हैं और मेरा बेटिया भी खाएंगे मैगी और हम लोग थोड़ा चाय पीते हैं जैसे टाइम है 4:30। सही में बोल रहा है यहाँ पे आज अगर वेदर अच्छा रहता तो सही में आपको बहुत एक अल्टीमेट व्यू दिखा ये जो लेक इतना जो सुंदर है
मतलब अब नहीं देखेंगे तो जिन लोगों को पता है तो पता है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है मिडिल लेक के बारे में तो उनको तो बोल के तो फायदा है नहीं। अभी तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो चले पहले चाय पीते हैं और मेरे बेटी तरफ मैगी पी लेते हैं, हमें मैगी खा लेते हैं उसके बाद जाते हैं उस तरफ। ठीक है, फ्रेंड हम लोग निकल जा रहे हैं म्यूनिख से। टाइम कितना, 5 बज चुका है और हम लोगों को लंच भी, और हम लोग का लंच भी हो गया है, मैगी पैगी खाए और कुछ नहीं। यहाँ से लेप्चेजावत का जो डिस्टेंस है 24 किलोमीटर का, लेकिन वेदर अचानक से और भी ख़राब हो गया है। भगवान ना करे कोई बारिश आए तो प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोगों के लिए। यह है मिडिक लेक के सामने जो मार्केट है, ये मार्केट कुछ भी खरीदे नहीं लेकिन मुझे खरीदना भी है। अभी सीधा जाएंगे लेप्चा जगत में। हम लोगों का जो होम स्टे है वो भी होम स्टे ऑलरेडी हम लोग बुक कर चुके हैं यहाँ से ही। हम लोग का 1000 रुपया करके पड़ा है फूडिंग लॉजिंग मिला के। सही में यार कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी, सिर्फ गाड़ी चल रहा है 20-25, 20-25, 26 इसी स्पीड के हिसाब से चल रहा है। सेकेंड गियर में गाड़ी चल रहा है बस और कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब फुल टू एडवेंचर। अभी थोड़ा चराई आ गया है, ये पूरा है नेपाल। ये सब जो भी घर है आपको दिख रहा है ये सब नेपाल, और मेरा राइट साइड में जो जितने भी घर है ये सब है भारत में। फ्रेंड्स हम लोग 7 बजे लेप्चा जगत में आ गए हैं और जिस होम स्टे में हम लोग रुके हैं वो है ब्रॉडवे होम स्टे। तो होम स्टे तो मैं कल दिखाऊंगा क्योंकि अभी तो अंधेरा है, और होम स्टे के सामने से तो एक अच्छा एक व्यू कल देखने को, क्योंकि अभी तो अंधेरा हो गया है नहीं दिखा पाऊंगा। तो अभी हम सब फ्रेश हो चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत एडवेंचर राइड किए हैं, बहुत फॉगी वेदर के अंदर से हम लोग बाइक चलाए, वो तो ऑलरेडी आप देख चुके हो। तो फिर मिलते हैं कल के एपिसोड लेके, डे 3 को लेके। तब तक के लिए स्टे सेफ, सेफ राइड, गुड नाइट।